के गुरु ग्रंथ साहब को पूछिए व्रत रखना चाहिए कि नहीं। इथे साफ लिखिया छोड़े अन्न करे पाखंड ना सुहागन ना रंड। फैसला ही सिद्ध है। असी रख लें व्रत, व्रत भी कहता जी बस रोटी नहीं खानी, होर जो आवे सो बने। विच केले खाई जाने, संतरे खाई जाने, अमरूद खाई जाने, कई बीबियां दो दो किलो खजूर ही खा जांदियां। अजे भाजी सी व्रत रखिया। मैं कहा जे व्रत खुल गया फिर तो वाहगुरू रखा, अजे रखिया। जिदन फिर नराते मुक जान फिर दुर्गा अष्टमी आउंदी। दुर्गा अष्टमी एक मैं माई नूं वेख्या, उन्हें देवी की पूजा की थी। मैं तो हैरान ही रह गया। उन्हें छटाकी को आटा गुन लिया, आटे का दीवा जहा बना के घ्यो पाया, रूह की बत्ती रखी, जोत जगाती। फिर आखे वे न्याणियो आओ लाटा माई नूं मत्था टेक लो। घर दी देवी बना ली। मैं आखे माई तू आपे आटा गुनिया, आपे दीवा बनाया, आपे जोत जगाई, आपे ही मत्था टेके। ते गल विच पल्ला पा के आखे हे लाटा वालिए मेरे मुंडे दा छेती छेती व्याह कर, मेरे घर नूं आवे। ते मैं हस पिया। मैं आखे माई वो तो आप सारी उम्र व्याह नूं तरसदी रही है, तेरे मुंडे नूं फाए दे। ओदा बेचारी दा अपना व्याह नहीं होया सारी उम्र। ते माई ओदे कोल मुंडे दा व्याह मंगे। माई अंदरों परात लैण चली गई ते लाटा वाली नूं कां लै गया। मैं कर ला तुम कोई जिन्हों अंदर चूहे नहीं छड़दे बाहर कां नहीं छड़दे, भी ये दीवा साड़ी रखिया करेगा। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने 33 करोड़ देवते का पहाड़ साढ़े मोढ़ियों तो लाता। उन्हें आख्या मेरा सिख कोई ब्रह्मा नू विष्णु नू शिवजी नू सूरज नू चंद्रमा नू गुग्गे नू देवी नू गणेश नू किसे मड़ी मसान जंतर मंत्र टूने नू ना मने। मेरा सिख एक अकाल की पूजा करे। उन्होंने प्रोग्राम बना लिया कि ऐसा पंथ साजांगा जिसनू लोग वाहेगुरु जी का खालसा कहणगे। Download Moj. Download Moj.